ये वाली सब्जी मैं तब बनाती हूँ जब मेरे घर में आता है पालक और बैंगन। ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और घर में सभी को पसंद आती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पालक और बैंगन। बैंगन को मैंने अच्छे से छील लिया है। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए पनीर। पनीर को हाई फ्लेम पर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तेल में हम डालेंगे जीरा, थोड़े से गरम मसाले जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 3 से 4 हरी मिर्च और तेज पत्ता। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया 2 प्याज, लहसुन और अदरक। मिक्सी के जार में सभी को दरदरा पीस लेंगे। फ्लेम पर सुनहरा होने तक भून लेंगे। 1 चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और बैंगन डालेंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे कि इससे पानी रिलीज हो जाए। थोड़ी देर बाद ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा और इसे कलछी से हम इस तरीके से दबा देंगे। जब भी आप साग बनाएं तो इस तरीके से कलछी से दबा दबा कर बनाएं, इससे साग अच्छी बनती है। अब इसे हम साइड में कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 पिसे हुए टमाटर, 1/2 छोटा चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़े से गरम मसाले। टमाटर को हम साग से अच्छी तरह से ढक देंगे, जिससे कि टमाटर और मसाले अच्छे से पक जाए। दोबारा से हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ढक देंगे। ढक्कन हटाने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे। फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर रेडी है पालक पनीर की सब्जी। 3 से 4 मिनट तक सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और सच बता रही हूँ, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और बनाना भी आसान है। आप भी एक बार इस सब्जी को जरूर से ट्राई करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी थी। और यहाँ पर मैंने दिया बेटी को पराठे और पालक पनीर की सब्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।